दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ना सिर्फ टेस्ट और वनडे बल्कि बीसीसीआई ने टी20 श्रृंखला का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, इस सीरीज में भी भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ही हैं। तो आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहला टी20 मैच कहां किस दिन खेला जाएगा, ये मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा और क्या होगी इस मुकाबले की पूरी मास्टर प्लान दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने गजब का खेल दिखाया था। रोहित की कप्तानी में भारत ने कीवी टीम को वनडे सीरीज में पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया था। आपको बता दें, सीरीज में कप्तान रोहित का बल्ला भी जमकर आग उगला था, जहां उन्होंने दमदार पारी खेलते हुए लगभग 3 साल बाद वनडे में शतक लगाया था। वहीं टी20 श्रृंखला में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने गजब का कमबैक किया और विरोधी टीम को इस श्रृंखला में भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ टीम इंडिया क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम में से एक ऑस्ट्रेलिया का सामना करने जा रही है। फिलहाल दुनिया की नंबर एक टी20 टीम भारत है। आपको बता दें, 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई हुई है, जहां सीरीज का पहला मैच 9 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा। वहीं 3 मैचों की वनडे श्रृंखला भी कंगारू टीम भारत से खेलेगी और इस सीरीज पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 श्रृंखला भी शुरू होने वाली है, जो इस महीने नहीं बल्कि सितंबर में होने वाला है, जिसका पहला मुकाबला 20 सितंबर को होने जा रहा है। बता दें, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ही होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे Disney+ Hotstar पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पहले मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या का मास्टर प्लान कुछ इस तरीके से होगा, जहां वो ओपनिंग की जिम्मेदारी समय के राइजिंग सुपरस्टार शुभमन गिल और रोहित शर्मा को देने वाले हैं। इन दिनों गिल का बल्ला न सिर्फ रन बना रहा है बल्कि विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां भी उड़ा रहा है। उन्होंने फिलहाल कुछ दिनों में अपने बल्ले से ढेर सारे रन बना दिए हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो कंगारुओं का भी सामना करेंगे। बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली ऋषिकेश भगवान शरण में गए हुए थे और अब उम्मीद यही है कि वो टेस्ट सीरीज के बाद सितंबर में टी20 सीरीज में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। पहले टी20 में हार्दिक को बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 4 पर टीम इंडिया के नए मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस बल्लेबाज का कोई भी मुकाबला ही नहीं है। अगर इनका बल्ला चल जाता है तो विरोधी टीम ऐसे ही हार मान जाएगी। उनके साथ भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद होंगे। दोस्तों, इस वक्त हार्दिक पांड्या के ऊपर टी20 मुकाबलों की कप्तानी का भी जिम्मा है और वो वनडे के उपकप्तान भी हैं। हार्दिक पहले टी20 में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वैसे भी हार्दिक का बल्ला जमकर रन बरसाता ही है। वहीं विकेटकीपर की भूमिका में केएल राहुल नजर आने वाले हैं। शादी की छुट्टी के लंबे अंतराल के बाद अब वो राहुल नेशनल ड्यूटी पर लौट रहे हैं, जहां वो अब टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। बात करें दोस्तों स्पिन विभाग की, तो यहां पर रविंद्र जडेजा की वापसी हो रही है। काफी समय से छुट्टी लेने वाले जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव पर हार्दिक काफी हद तक निर्भर रहेंगे और वो टीम इंडिया की सफलता में एक अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, बात करें भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो वहां पर रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले उमरान मलिक और काफी समय बाद इंजरी से वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह पर तेज गेंदबाजी का दारोमदार होगा। वहीं इस वक्त वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह और नंबर 1 तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या की ये प्लेइंग 11 बेहद खतरनाक है। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद ही कांटे का मुकाबला होने वाला है, जिसे कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन या फिर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट फैन छोड़ना नहीं चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस टी20 मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या फिर कोई और? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।